हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस के अंतर्गत जो आपका मैराथन क्लास चल रहा था उसी में हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। और इससे पहले हमने अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 जो कि है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन और ये परावर्तन, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य आपको सारे क्वेश्चन जो है पढ़ने हैं। ठीक है, तो परावर्तन अपवर्तन और इसी के जो है बेस पर यह चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम पूरा पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका डेरिवेशन हो यानी व्यंजक भी आते हैं, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न भी आते हैं, आपके थ्योरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग में शॉर्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कुछ आज के इसी वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त होने वाला है। और अगर आपका भी टारगेट है 95+ अचीव करने का, तब तो आपको यह वीडियो बिल्कुल देखना ही चाहिए। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वह बोर्ड एग्जाम में आने की दोस्तों 100% की गारंटी है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पहले देखेंगे 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके शॉर्ट में आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि छोटे लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर लघु उत्तरी में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, स्नेल का नियम क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्नेल का नियम क्या होता है, देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तन का नियम, ठीक है, तो अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम यह मैं आपको बता चुका हूं अलग से वीडियो में, तो आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्लास टेंथ साइंस का, तो देखिए उस प्लेलिस्ट पर आपको जाना है और सारे के सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर से देखिएगा। यहां पर परावर्तन और अपवर्तन ये तो आपको तैयार ही करना है, क्योंकि ये तो आपका चैप्टर ही है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो इन दोनों नियमों को सबसे पहले तैयार करिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करते हैं स्नेल का नियम, कभी कभी आ जाता है। अब दोस्तों बता दो, जो स्नेल का नियम होता है वह आपका अपवर्तन का ही नियम होता है। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या होता है, देखिए आप पहले नियम को देखते हैं। तो देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, देखिए इसमें क्या होता है, माध्यम लिया जाता है। माध्यम का मतलब एक सघन माध्यम होगा और एक विरल माध्यम होगा। ठीक है, मतलब कि एक कांच का माध्यम ले ले और एक वायु का माध्यम, तो दो माध्यम हो जाएंगे। तो मतलब यही कहा गया कि यहां पर किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण की ज्या, ठीक है, का अनुपात नियत होता है, और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ही अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब देखिए, इसमें क्या होता है, जो आपका आपतन कोण है, मतलब यहां पर आई, ठीक है, परावर्तन कोण यानी आर, एक दूसरे के जो ज्या है मतलब साइन, इनका अनुपात जो है वह नियत होता है, और यह नियतांक होता है आपका एन, और यही आपका होता है स्नेल का नियम। ठीक है, सिंपल सा आपको इतना ही लिख देना है और इतना आपको यह फार्मूला लिख देना है। ठीक है, जब इतना आप लोग कर देंगे तो बिल्कुल आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे और यही आपका होता है स्नेल का नियम। ठीक है, तो काफी सिंपल है। अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, तो यही आपका स्नेल का नियम है। अगर आप अपवर्तन का नियम तैयार करेंगे तो आपको यह वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आकाश का रंग, देखिए स्वच्छ आकाश जब आप लोग देखते होंगे तो क्या होता है, नीले कलर का दिखाई देता है, तो नीला क्यों दिखाई देता है यह आपको बताना है, काफी महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं कि स्वच्छ आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर कि जो नीला रंग होता है और बैंगनी रंग होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है अन्य सभी रंगों में सबसे अधिक यह इनमें होता है। मतलब जो भी कलर होते हैं, चाहे आपका रेड हो, यानी कि कुल मिलाकर जो 7 कलर होते हैं उसमें आपका इन्हीं कलरों को मिलाकर अन्य कलर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका 7 हो गया। तो जो 7 कलर है उनमें से सबसे जो बैंगनी और नीले कलर है, इनका जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो सबसे अधिक होता है, और जब यह प्रकाश चारों ओर फैल जाता है तो दोनों का मिश्र रंग आपका नीला बनता है। मतलब नीला रंग और बैंगनी रंग इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या होता है, नीला ही कलर बनेगा। और दोनों का जब मिलावटी, जब मतलब यहां पर प्रकाश जो चारों तरफ फैलता है वायुमंडल में, तो इससे क्या होता है, नीला कलर ही फैलता है चारों तरफ, तो इससे आपका यह जो आकाश का रंग होता है वह नीले कलर का दिखाई देता है। सिंपल सा छोटा सा आपको इतना जो है तैयार कर लेना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितने भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं।
इसके बाद है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल आपको इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखना है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके लिए आवश्यक शर्तें, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें होंगी जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। तो यहां पर यही हम बात करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे आप किसी इस प्रकार के क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, पूर्ण आंतरिक, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके लिए निम्न शर्तें हैं, ऐसा कुछ करके यहां पर सामने लिख देना है। इसके बाद नीचे से आपको बताना है, यहां पर दो ही शर्तें आप लिख लीजिएगा, दोनों काफी हैं, दो से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, मतलब दोस्तों क्या होता है, जो प्रकाश है आपका, जहां मतलब आप जो किरणें डाल रहे हैं, ठीक है, तो वह कहां से कहां जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि आपका कांच हो गया, ठीक है, कांच, और कांच से विरल माध्यम मतलब वायु, ठीक है। तो जहां पर प्रकाश की चाल कम होती है और वहां पर सघन माध्यम, और जहां पर प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वह क्या होता है, विरल माध्यम। तो ऐसे में आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाना चाहिए, तभी यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है लागू हो गई। ये तो पहली शर्त हो गई। इसके बाद दूसरा है आपका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपतन कोण आई है, ठीक है, आई का मान जो है क्रांति कोण यानी सी, ठीक है, तो आई का मान सी से अधिक होना चाहिए। ये आपकी दो शर्तें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इनको तैयार ही कर लेना है। इस प्रकार से तीन क्वेश्चन यहां से आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, और तीनों क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूं सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है, जो कि होता है कि हीरा क्यों चमकता है, यह आपको अपने से लिखना है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना है, सिंपल है, इसमें आपका ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस आप कर सकते हैं। तो हीरा क्यों चमकता है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें शॉर्ट में, तो यहां पर आपका है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर कैसे करेंगे। जैसे आपको कोई एक दो लेंस दिए, सॉरी दर्पण दिए जाए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण जो है और अवतल दर्पण जो है, इन दोनों को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, पहचान करने के लिए आपको बताना है, या अंतर, मतलब वही एक ही चीज है, आप दोनों को कैसे पहचान पाएंगे कि या दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, कई बार प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, देखिए किसी दूरस्थ मतलब दूर स्थित कोई वस्तु, ठीक है, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित कोई वस्तु, किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सीधा परंतु अवतल दर्पण में उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें, जब कोई मान लीजिए यहां पर आपका लेंस सॉरी दर्पण रखा है, तो यहां पर दर्पण है और यहां पर कोई दूर एक वस्तु रखी, ठीक है, तो क्या होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होता है, सीधा बनता है, परंतु अवतल दर्पण में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट यानी उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो पहला तो आप डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद और है आपका तरीका, किसी निकट स्थित, मतलब कि क्या होता है, जो अब यहां पर निकट की बात की गई, जैसे हमने दूर से आजमा लिया, अब हम पास की बात करेंगे, तो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है जबकि अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर यही दोनों आपको विभेद कर देना है, मतलब सिंपल से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ रटने जैसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप बता सकते कि दूर स्थित जो वस्तु होती है उसका उत्तल दर्पण में सीधा और अवतल दर्पण में उल्टा, लेकिन जो निकट स्थित वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब जो है वह उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता परंतु अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार से दोस्तों ये पांच क्वेश्चन है, पांच आपके छोटे वाले क्वेश्चन यानी कि अतिलघुतरीय क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और यहां पर और सारे न्यूमेरिकल है, सभी की बात करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन आपके अब स्टार्ट होने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम में यह कई बार आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियों को समझाइए। दोस्तों जब मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, जो कि एक लॉन्ग वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था जैसे आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण आप सभी जानते हैं ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इस प्रकार से ये अवतल दर्पण होता है। इसमें आपका एक मुख्य अक्ष भी होता है और यहाँ पर फोकस होता है और आपका वक्रता त्रिज्या होती है और यहाँ पर अनंत बिंदु होता है, ठीक है, इस प्रकार से।
अब दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको बताना है कि इसमें जो वस्तु है वह कितनी स्थितियों में रखी जाएगी और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी या सीधा बनेगा, कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या आगे बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से यानी बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो यही आपकी विभिन्न स्थितियाँ हैं। अब देखिए इसमें कितनी स्थितियाँ होती हैं, तो 6 स्थितियाँ होती हैं। मतलब बता दूँ आपको, पहले जब वस्तु रखी जाएगी तो अनंत पर रखी जाएगी, उसके बाद सेकेंड आपकी होगी यहाँ पर सी यानी कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच, उसके बाद सी पर रखी जाएगी, फिर सी और एफ के बीच रखी जाएगी, फिर एफ पर रखी जाएगी और फिर यहां पर जो आपका पोल होता है ध्रुव और फोकस के मध्य रखी जाएगी। तो 6 स्थितियों में दोस्तों वस्तु रखी जाती है और 6 स्थितियां मैंने आपको पूरा ट्रिक से बताया था। तो आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इसे बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा ट्रिक से मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 6 स्थितियों में आपका वस्तु रखी जाएगी और 6 स्थितियों में प्रतिबिंब भी बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, आकार क्या होगा, यह सब कुछ मैंने आपको ट्रिक से बिल्कुल बताया था। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखेगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बता दूं 3 स्थितियां आएंगी, मतलब यहां पर 6 स्थितियां देखिए बन रही हैं, 3 में से आप सॉरी 6 में से आपका 3 स्थितियां आएंगी और 6 यहां पर तीनों को आपको जो है करना होगा, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। देखिए इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आने वाले, यहां से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है और इसके सामने एक वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले जब आपको सामने ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो क्या करना है वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, हल करते हैं चलिए इसको। सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है वह फाइंड करिए और सब उससे पहले आप उस पर नजर डालिए कि यह दर्पण कौन सा है, क्योंकि जब मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, तो उससे आपको यह पता चलेगा कि जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होगी या ऋणात्मक, वस्तु की जो दूरी है वह धनात्मक होगी या ऋणात्मक। मतलब यहां पर कोई मैं कहने का मतलब है कि प्लस माइनस में डिफरेंस आप यहां से ही कर पाएंगे। तो इसको चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण देखिए होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वह आपका इधर बाएं साइड आता है और बाएं साइड की जितनी भी वैल्यू रहेंगी वह सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी यानी माइनस की होंगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है दोस्तों वह कैसी होगी, फोकस दूरी आपकी माइनस 20 सेंटीमीटर होगी, तो ऋणात्मक हो गई। इसके बाद आपकी वस्तु की स्थिति आती है, तो यहां पर वस्तु जो है 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई और वस्तु जो है इधर ही रखी जाती है। मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण में सारी वस्तु आपकी इधर रखी जाएंगी और इधर की वैल्यू सारी ऋणात्मक होंगे, तो सिंपल है यहां पर u जो आपका होगा वह भी कितना होगा, माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको क्या निकालना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ठीक है, मतलब आपको प्रतिबिंब की जो है स्थिति निकालना है कि कितनी दूरी पर यह बनेगा। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। यहां पर आपको निकालना है v का मान। अब देखिए जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसके लिए एक फार्मूला होता है जो फोकस दूरी और वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थितियों में संबंध बताता है। तो इतनी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए आपको जो आपकी फोकस दूरी है अवतल दर्पण की और यू और वी इन सभी में संबंध होता है, तो यह एक फार्मूला होता है, तो इसमें हम सूत्र रखेंगे और यह सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एक बटा एफ इक्वल टू एक बटा यहां पर यू होता है यानी कि यह वस्तु की जो स्थिति है और यहां पर होता है आपका प्लस एक बटा वी। इस प्रकार से यह सूत्र होता है। अब इस फार्मूले में वैल्यू को रख दीजिए, सिंपल है, तो इक्वल में देखिए यहां पर मैं रख रहा हूं एक बटा एफ की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर माइनस का 20 है। ठीक है, माइनस 20 और इक्वल आपका यहां पर 60 है, माइनस का 60 और ये प्लस का एक बटा वी। अब दोस्तों यहां पर एक बटा वी प्लस का है तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ही रहने देंगे और ये जो एक बटा 60 है वह उठाकर आप इस तरफ ले आइए एक बटे माइनस 20 की तरफ। जब इतना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर एक बटा वी इक्वल एक बटा 60। देखिए 60 हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि जब ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी और प्लस की वैल्यू आपकी पहले रहेगी और एक बटे 20 जो है यह माइनस का पहले से ही है, तो यहां पर माइनस का एक बटा 20 हो जाएगा, सिंपल है। और यहां पर एक बटा वी इक्वल आपका देखिए दोनों का यहां पर लासा आपका 60 ही होगा, तो 60 एक हो जाएगा, ये यहां पर जो है भाग कराएंगे और गुणा करेंगे, फिर माइनस यहां पर 20 तेज 60 यानी कि 3 और यहां पर ये 3 हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, एक बटा वी इक्वल यहां पर घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, यहां पर माइनस का 2 आएगा ऊपर की तरफ और यहां पर बटे में आपका 60, सॉरी यहां पर हमने 20 लिख दिया, ये आपका 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। इसके बाद जब यहां पर इसको काट देंगे यहां से तो ये आपका 30 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बटा यहां पर देखिए एक बटा वी इक्वल आपका कितना आया, एक बटा माइनस 30। अब दोस्तों
हमें क्या चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हमारा एक बटा वी है, तो जस्ट इसको उलट दीजिए, मतलब कि यहाँ पर आपका वी का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, वी इक्वल आपका -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर हमारी जो वस्तु की स्थिति है वो कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर। देखिए और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, माइनस का आया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से बाएं साइड ही बनेगा, यानी कि इधर की जो दूरियां हैं वह ऋणात्मक होती हैं। तो स्थिति और आकार आप सब बता सकते हैं, सिंपल है। आकार में कहें तो देखिए वस्तु से यहाँ पर ये आपका 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आपका यह प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का आकार है, सॉरी वस्तु की स्थिति है, वह दर्पण से बाएं साइड है। तो इस प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको कोई मतलब यहाँ पर कठिन नहीं होता है, काफ़ी सिंपल होते, बस फाइंड करना होता है वैल्यू को। इसके बाद दोस्तों अगला न्यूमेरिकल है, देखिए इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और हम ज़्यादातर आज न्यूमेरिकल पर ही फोकस करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगला है क्वेश्चन आपका, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण उत्तल लेंस सॉरी यहाँ पर क्या लेंस के दर्पण नहीं है, लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए इसमें क्या है आपका, सबसे पहले फोकस दूरी दी गई है, और यहां पर फोकस दूरी जो है वह किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए है। अब दोस्तों उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, आपको भी मालूम होगा शायद। तो यहां पर इसको क्या करना है, हल। इसके बाद यहां पर एफ की वैल्यू देखिए क्या है, यहां पर है 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, मतलब जो वस्तु की लंबाई है, ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसका जो लंबाई है वह कितना है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की जो आपकी लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद यहां पर बताया गया है कि फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर दोस्तों आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका U होगा वह कितना होगा, तो -30 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों यहां पर आपका ऐसा कुछ उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब उत्तल लेंस से फोकस दूरी आपका इधर का लिया गया और वस्तु जो रखी जाएगी वह इधर रखी जाएगी, तो इधर की वैल्यू मैंने आपको बताया कि सब ऋणात्मक होंगी, तो सिंपल से यहां पर यह भी ऋणात्मक ही होगा। बाकी आपका वस्तु की स्थिति जो है वह, देखिए वस्तु ऑब्जेक्ट है वह तो आपका इधर रखा रहेगा, तो ऊपर की तरफ आपका रहेगा, तो ऊपर की तरफ मैंने बताया तो जो ऐसा होता है यानी ऊपर की तरफ, उधर आपको धनात्मक लिया जाता है और नीचे की तरफ का जो है पार्ट वह ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से हमने इसे धनात्मक लिया और फोकस दूरी आपका इधर रहेगा तो वह आपका धनात्मक ही रहेगा। तो सिंपल सा आपने चिन्ह यहां पर समझ लिया, बस आपको अब क्या करना है, फार्मूला लगा देना है जो कि इन दोनों में संबंध होता है, यानी एक एफ वी और यू में जो संबंध होता है उत्तल लेंस के लिए, वह पहले फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए सूत्र को रखते हैं, सूत्र आपका होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों में थोड़ा सा यहाँ पर चिन्ह का डिफरेंस रहता है। इसको आप क्या करेंगे, 1/f है और यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए, उसके बाद आप लोग वैल्यू वी की निकाल लीजिए, और वी की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम वहाँ से जो है स्थिति प्रतिबिंब की निकाल लेंगे और आकार भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, 1/ यहाँ पर एफ की वैल्यू 20 और इक्वल यहाँ 1/v, और यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिए u क्या है, -30 सेंटीमीटर, और ये माइनस जब 30 सेंटीमीटर करेंगे तो इस माइनस से ये वाला माइनस टकराएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1/30। हमने मतलब डायरेक्टली चेंज कर दिया, जब इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर हमें चाहिए 1/v के मान, तो 1/v का जब वैल्यू चाहिए तो 1/v इक्वल यहां पर 1/20 आपका इधर ही रहेगा और 1/30 को आप इधर ले आइए, तो यहां पर 1/20 क्योंकि धनात्मक है तो इसे पहले लिखेंगे और जब इधर लाएंगे इसे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, और यह 1/30 जब इधर आएगा तो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, जब 1/v इक्वल यहां पर इन दोनों का एलसीएम 60 यानी 60 हो जाएगा, और 20 + 60 मतलब 3 और -3 दोनों से यानी कि 2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, और 1/v इक्वल आपका यह आएगा 1/60। तो दोस्तों यहां पर वी का जो मान है वह कितना आया, 1/60 आया। अब दोस्तों 1/60 हमारा आ गया, तो हमें चाहिए क्या, वी का मान चाहिए, तो सिंपल सा हम यहां पर क्या करेंगे, वी इक्वल कर देंगे 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर हमने 1/v निकाला था और हमें वी का चाहिए तो हम इसको उलट देंगे, तो इस प्रकार से आपका यह जो है 60 सेंटीमीटर आ गया।
अब दोस्तों यहां पर आपको क्या निकालना है, आकार निकालना, जो आपका पृथ्वी में बना है उसका आकार भी हमें निकालना है। तो एक फार्मूला क्या होता है, जो कि होता है आई अपान ओ, मतलब यहां पर इमेज जो आपका आकार बनेगा और ऑब्जेक्ट मतलब यहां पर वस्तु, ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका वी अपान यू के बराबर होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे वैल्यू को। तो चलिए रख देते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर आई का मान हमें निकालना है। तो आई का मान जब हमें निकालना होगा तो वी अपान यू गुड़े ओ करेंगे, क्योंकि यह ओ है आपका तो ऊपर गुड़ा में चला जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, देखिए आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वी की मान हमें 60 निकाले हैं, और इसके बाद हमने क्या निकाला था, यहां पर यू का जो मान है वह है माइनस का आपका है 30 सेंटीमीटर, और गुड़े हमने ओ का मान जो है 5 निकाला है। तो 5 और 6 30, ठीक है, 6 बार गया और 6 और यहां पर 10 बार में ये कट जाएगा। तो यहां पर आई का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वह कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप कह सकते हैं जो आकार है वह कितना बन रहा है, 10 सेंटीमीटर का बन रहा है, मानव जो वस्तु है उसका आकार -10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। और यहां पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ जब पृथ्वी वस्तु रखी है तो आपका धनात्मक है, लेकिन नीचे की तरफ है तो यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक है। तो सिंपल सा 10 सेंटीमीटर का माइनस का 10 सेंटीमीटर आया, तो कह सकते हैं कि जो वस्तु का आकार होगा वह उल्टा होगा, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो सिंपल है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और यहां पर न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए काफी सिंपल है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसे भी देख लीजिए। कहा गया कि वायु में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी है, तो 3×10⁸, ये सभी जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी है दोस्तों, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस प्रकार से है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका अपवर्तनांक दिया गया है, यानी कि n की वैल्यू जो है वह कितनी है, 3/2 दिया गया है। अब दोस्तों करना क्या है आपको, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो मतलब यहां पर आपको क्या निकालना है, देखिए हम इस प्रकार से इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ANg मतलब वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक वह कितना है, तो आपका हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका फार्मूला बनेगा। अब हमें चाहिए क्या, कांच में प्रकाश की चाल चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे इस टर्म को उठाकर यहां पर ले आएंगे ANg की जगह पर, और ANg जो है वह इसके बटे में ले जाएंगे, क्योंकि यहां पर वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक वह कितना, 3/2 दिया गया है। तो सिंपल है, हमारी यहां पर दो वैल्यू फाइंड है और एक हमको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर आपका आएगा कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है दोस्तों, आप इसे समझ लीजिएगा, कांच में प्रकाश की चाल इक्वल यहां पर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3×10⁸, और यहां पर ANg जो है इसके बटे में यहां पर लाएंगे, तो बटे में यहां पर आएगा, और यहां पर वैल्यू कितनी है, 3/2 है, तो 3 आपका ये रहेगा और बटे का जो 2 है वह ऊपर जाएगा, तो यहां पर 2 ऊपर चला गया। इस प्रकार से 3 से 3 कैंसिल और 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका यह जो है आएगा वो कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। सिंपल है, काफी अच्छा सा न्यूमेरिकल है, वो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, छोटे से क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए सोचा आपको बता दूं, काफी महत्वपूर्ण था। इसके बाद दोस्तों एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, और इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, एक वस्तु का जो है कहा गया है यहां पर कि कोई वस्तु है जिसका उत्तल लेंस द्वारा किसी परत पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो वैल्यू फाइंड करनी है। कहा गया है तो एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाए तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा। देखिए इसमें आवर्धन क्षमता का एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था, प्रतिबिंब की स्थिति यानी लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो यानी कि आपका ये v अपान u हो गया, तो m बराबर क्या बना आपका v अपान u।
अब दोस्तों यहां पर एक बात यह समझना है आपको कि जो आपका किसी पर यहां पर कहा गया कि किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहां पर जो आवर्धन है वह यम जो है आपका कितना है 3 गुना है, तो यम की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो जब यम की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग, यहां पर 3 रख देंगे और वी अपान यू उसी प्रकार से रहेगा, तो यहां पर आपका यू का इससे गुणा हो जाएगा, तो यहां पर 3 u इक्वल वी, यानी वी का मान आपका कितना है 3 u आ गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कहा गया कि यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल जाए, मतलब क्या करें जस्ट इनको पलट दें, एक दूसरे का अपोजिट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका आवर्धन वह निकालना। तो यहां पर हम m लिए थे, तो यहां पर क्या कर देंगे m डैश कर देंगे, मतलब हमने तो इस प्रकार से हम यहां पर अब निकालेंगे, मतलब कि यहां पर हम निकाल रहे हैं जब स्थितियां बदल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा m डैश अपान m डैश इक्वल टू v अपान u, ठीक है, ये हमारी स्थितियां बदलने पर m डैश कर दिए, तो यही आपका होगा। इसके बाद क्या करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर सॉरी ये आपका u हो जाएगा, मतलब हमने स्थिति बदल दी, तो ये आपका u हो जाएगा और नीचे का जो है v हो जाएगा। तो सिंपल है, यहां पर आपको क्या करना है, जो m डैश है इस पर आपका थोड़ा सा चेंज आएगा, देखिए क्या आएगा, जो m है आपका ये सॉरी आपका ये इसके बराबर, मतलब देखिए इसमें क्या है, जो आपको यहां पर v का वैल्यू है, ठीक है, v का वैल्यू है वह आपको कितना दिया है 3 u दिया है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे 3 u रख देंगे, मतलब इसका जो मान हो जाएगा m डैश इक्वल क्या हो जाएगा, u आपका ऊपर का है और बटे में v है, तो v की वैल्यू कितनी है 3 u है, तो 3 u कर देंगे, तो u से u कैंसिल हो जाएगा और m डैश जो आपका वैल्यू है वह आपका 1/3 आ जाएगा, मतलब यह आवर्धन जो है वह कितना गुना हो गया 1/3 गुना हो गया। तो यहां पर आपका हो जाएगा कुछ दशा में आवर्धन कितना होगा, पहले कितना था 3 गुना था, लेकिन जब स्थिति बदल गई तो वह आपका 1/3 गुना हो गया। तो काफी सिंपल है, इसी प्रकार से आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, और यह क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना काफी महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध, यानी दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, जो कि होता है r बराबर 2f, या इसे बोलते हैं f बराबर r बाई 2, दोनों के बीच यही रिलेशन होता है, और यह फार्मूला है, और इसका एक डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो आप लोग जाकर जरूर से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।